होते हैं। ह्यूमिड एरिया में कभी भी आप डॉग के नेल क्लिपर ना रखें, करवा सकते हैं। सो व्हेन शुड यू रिप्लेस योर डॉग नेल क्लिपर? हेलो फ्रेंड्स, विद यू वीडियो ऑफ मफिन। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ डॉग नेल्स के रिलेटेड बातें और कैसे आप डॉग्स के जो नेल क्लिपर होते हैं या नेल कटर होते हैं उसको कैसे आप डल होने से बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो जो डॉग क्लिपर्स होते हैं मोस्टली वो ह्यूमन क्लिपर्स की तरह ही होते हैं और ओवर द टाइम वो कहीं ना कहीं डल होने लग जाते हैं। हमें पता है हमारे नेल कटर्स भी समहाउ या क्लिपर्स समहाउ डल हो जाते हैं एक टाइम के बाद। तो सेम वे डॉग के जो नेल क्लिपर्स होते हैं वो भी एक टाइम के बाद डल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभार हम उनको एज इट इज़ छोड़ देते हैं या ऐसे ही रख देते हैं तो समहाउ उनकी जो ब्लेड्स हैं वो एक टाइम बाद डल होने लग जाती है। सो मेन रीजंस जो होते हैं डल होने के वो है इम्प्रॉपर स्टोरेज। हमें पता है कि वो मोस्टली एक मेटल से बने होते हैं या आयरन से बने होते हैं जिसमें रस्ट लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ह्यूमिड एरिया में कभी भी आप डॉग के नेल क्लिपर ना रखें, ऐसे उनकी डलनेस बहुत जल्दी आ जाएगी। प्लस जब भी आप अपने डॉग के नेल क्लिप करते हैं उसके बाद उसे क्लीन करना कभी भी ना भूलें। अगर आप हमेशा उसे क्लीन करना भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो डल बहुत जल्दी हो जाएंगे। सो जैसे कि हम अपने नेल क्लिपर्स को काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छी जगह पर रखते हैं सो सेम वे हमें डॉग्स के नेल क्लिपर्स को भी अच्छी जगह से स्टोरेज करना पड़ता है और उसको टाइमली हमें रिपेयर भी करवाना पड़ता है। रिपेयर इन द सेंस आपको मैन्युअली कभी कभार शार्प भी करना पड़ेगा या कभी आप लगता है जैसे चाकू शार्प होते हैं वैसे ही आप उनके नेल क्लिपर भी शार्प करवा सकते हैं। क्योंकि कुछ नेल क्लिपर्स जो हैं वो अपने ब्लेड से निकल जाते हैं, उसमें बटन्स होते हैं जिससे कि उनका जो ब्लेड वाला हिस्सा वो अपार्ट हो जाते हैं फ्रॉम द हैंडल एरिया या फिर उनका मैकेनिज्म ऐसे दिया जाता है कि हम उससे दोबारा रीशार्पन करवा सकते हैं। सो आपके पास कोई भी नेल कटर हो, चाहे वो सीजर स्टाइल हो चाहे वो वायर कटर स्टाइल हो, आपको उन्हें हमेशा प्रॉपरली स्टोर करना है प्लस आप उसे रीशार्पन भी करवा सकते हैं। सो व्हेन शुड यू रिप्लेस योर डॉग नेल क्लिपर? आपको लगता है कि ब्लेड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आपको लग रहा है कि उसकी ब्लेड्स में जिगजैग पैटर्न जो बन जाता है आफ्टर क्लिपिंग या उसकी ब्लेड काफ़ी अनशार्पन हो गई है तो टाइम हो जाता है उसे रिप्लेस करने का और आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रस्ट भी होने लगा है तो तब भी आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि क्लिपर अगर गंदे रहेंगे या फिर बेकार रहेंगे तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं आपके डॉग के लिए, बिकॉज उनके जब आप उस गंदे नेल क्लिपर से आप नेल्स कट करेंगे या क्लिप करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके नेल्स ब्रेक होने का बहुत ज़्यादा डर भी रहता है तो ऐसे में वो काफ़ी पेनफुल सेशन भी हो जाता है। प्लस आपका डॉग बहुत लॉन्ग टाइम तक उस सेशन को अपने माइंड में रखेगा और वो आपसे नेल कटवाना या किसी भी ग्रूमर से नेल कटवाने में बहुत ज़्यादा डरेगा तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। और आप अपने नेल क्लिपर को भी ज़रूर ध्यान दें कि कहीं उसे रिप्लेसमेंट का टाइम तो नहीं आ गया है या कहीं उसे रीशार्पन तो नहीं करवाना है। सो ये थी सारी चीज़ें अबाउट हाउ यू कैन कीप योर डॉग्स नेल क्लिपर इन अ गुड कंडीशन और कैसे आप उन्हें डल होने से बचा सकते हैं और कब आपको रिप्लेस करना चाहिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली and also don't forget to hit the bell icon ताकि आप कोई भी new video miss ना कर सकें। अम्मा वो as usual अपनी treat के साथ खेल रही है और उसे खा रही है बुक्कर। ये हमारा बुक्कर डॉग है। मफू वीडियो में लोग देखते होंगे ना, कहते होंगे खाना नहीं देते हम, है ना, सारी treat खा जानी है। Okay friends, तो मिलते हैं आपको next video में। Till then, bye bye. Oh!